मम्मी हम जा रहे हैं मम्मी, ये सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है या अनुभा जी आपका आईपैड थोड़ा अपसाइड डाउन है? इज इट अपसाइड डाउन? हाय मनु, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। म्यूट हाँ, हो यू ऑन मनु, म्यूट प्लीज। म्यूट। देखो ये भी फिर से मेरे को सुनाई नहीं दे रहा या एक्चुअल में म्यूट? लेट मी देन पुट द विसल इन। प्र प्र सब ठीक लग रहे हैं। डायरेक्ट योर डॉटर और वाज इट डिफिकल्ट? और अगर ये इजी थी तो बाकी सारे कौन कौन था जो डिफिकल्ट था? हस्बैंड। और इन दोनों के बीच में कौन कौन था? हमें तो थोड़ी जूसी, हमें अंदर की खबरें चाहिए ना। आप हाँ। मेरे को ये बताओ कौन था वो आपका कौन डीवा प्ले कर रहा था? Who was someone who always arrived late on set? हमें बताओ, हमें बताओ। Please, please जाओ यार, please जाओ यहाँ से, please go, please go. Actor बताए, मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, हम तो time पे आते थे, गाड़ी एक ही निकलती थी। बताइए। मेरे पति ने। अच्छा। मनोज सर, I'm so sorry, आप यहाँ पे हो नहीं आते। You can't defend yourself, so. तो फिर मैं ये अगला सवाल तो डेफिनेटली नहीं पूछूंगा, मैं पूछने वाला था who was most like their on screen role? Only सीमा जी can answer this. हाँ, सीमा जी can only answer this. Who is the one person that always forgot their lines? हाँ नहीं नहीं, ये वाला पूछ सकते हैं, ये वाला पूछ सकते हैं। राहुल playing the game with us. Yes. अक्षय को मैं बोला तू डेब्यू वाली पिक्चर को क्या करना चाह रही, फर्स्ट एंड लास्ट करवाना चाह रही, क्या करना? Who was the biggest prankster on set? Sorry, मेरे को एक actually बहुत important question पूछना था, ये directorial aspect से, cinematography aspect से. आपका ये एक सीन है which I just can't get my head around. अब आप हमें ये बताइए, आप अपना थिएटर प्ले या कोई भी प्रोजेक्ट लेके सिडनी का बारी है। आपका उबर ड्राइवर मैं हूँ। हमको जब हम कर रहे थे हमें पता था कि जो बन रहा है वो कमाल बन रहा है, लेकिन इसका कमर्शियल रिस्पांस आएगा ये नहीं सोचा था, लेकिन हमें ये पता था कि जो बन रहा है वो मतलब माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हम इतने खुश थे। ये पड़ोस में रहती है, इसी के घर से खाना आ रहा है, इसी के घर से चाय बन बन के आ रही है, बट एक राम प्रसाद जी थे यहाँ पर, यू नो दैट। फॉर मी वन बिग रीजन टू डू दिस फिल्म वॉज द स्क्रिप्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, तो हम बहुत बौखला जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर बाद में इसके बारे में सोचो तो बहुत हंसी आती है कि क्या बोले थे। हमने एंड ऑफ द पिक्चर में आप लोगों को आपके कैरेक्टर्स के थ्रू तो पहचानना बंद कर दिया था, हमने अपने रिश्तेदारों के नाम दे दिए थे। क्योंकि अगर मैंने एक को भी ये कहा कि नहीं नहीं वो नहीं कर पाए तुम जो मैं चाहती हूँ, तो वो कहेगा ओ अच्छा, मतलब अब ये हमें करके दिखाएंगे। I'll be very honest and I have not told this to Seema ji before. Tumhari wajah se specially isko divert kar raha hu kyunki tum bahut der se complex mein aaye ho. How are you all feeling with the film being out abhi and obviously the rave reviews I'm sure you're receiving at the moment? Great feeling hai. Iske bare mein to kya tareef hoti hai to acha lagta hai. So hats off to you guys to actually do something. No, I think Seema ji's film has done the job of an opening batsman in the theaters. Absolutely. It has actually attracted people to come to the theaters. Because especially हम लोग जहाँ पर रहते हैं सिडनी में, तो कोविड आता रहता है जाता रहता है, कभी हाँ आप जा सकते हो, फिर कभी एकदम से लॉकडाउन हो जाता है, अभी हम लोग फिर लॉकडाउन में चले गए हैं, और लेकिन लॉकडाउन में है लेकिन फिर भी थिएटर जाना अलाउड है लोगों को, तो पीपल देमसेल्व्स आर अ बिट कंफ्यूज्ड कि भैया कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो इसी की वजह से हम लोग ने जब हम लोग इनफैक्ट जब तौफीक का फोन आया कि यार राम प्रसाद की 13वीं लगी है, वो है थिएटर में लगी हुई है, चलो लोग भी देख के आए, तो हमने कहा यार चलो एक वीडियो बनाते हैं इस पे, क्योंकि दिस इज अ फिल्म हम लोग को जेन्युइनली दिल से लगी कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और लोगों को जाके देखना चाहिए। All right, Mr. Taufik Sheikh Ahmed, over to you. Hello, Shyamati, दोस्तों मैं हूं तौफीक अहमद और मेरे साथ आज जुड़े हैं अक्षत गुप्ता from 89.3 2GLF FM, कहते सुनते रेडियो जीन। आप हमें सुनते हैं हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक और आज हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कहते सुनते रेडियो जीन सिडनी पर। It's an exciting evening, all I can say, because I'm already nervous in around so many people, so many great actors. So, Akshat, please, aaj bacha le, take it over from here.
नमस्ते दोस्तों, दैट्स राइट, जैसे तौफीक ने अभी कहा, आज हमारे पास ऐसे टैलेंटेड टैलेंटेड स्टार्स हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा सिर्फ ये इंटरव्यू ना देखने में, एंड स्पेशली जिस फिल्म की हम आज बात करने वाले हैं उस फिल्म को जाके देखने में। हमारे पास सबसे पहले तो हैं दो बहुत पावर हाउस ऑफ टैलेंट, और उसके दो पावर पॉइंट्स हमारे पास आज मौजूद हैं, जो कि है सीमा पावा, द डायरेक्टर ऑफ द न्यू फिल्म राम प्रसाद की तेरवी, एज वेल एज यू विल ऑल रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम फिनोमिनल फिल्म्स दैट शी इज डन, सच एज बरेली की बर्फी, आंखों देखी, एंड देन विद हर वी आल्सो हैव द अदर पावर पॉइंट व्हिच इज मनुकृति पावा, who is again a phenomenal actress from her film at the moment that has come out that we're going to be speaking about called Ram Prasad Ki Tervi, as well as you would have seen her in Sui Dhaga as well. And then we've also got with her the very, very, very talented Anubhaji, who's going to be joining us. So thank you so much again, who's again a phenomenal role and a phenomenal actress in this film. And agar time mila to shayad baad mein, we have another great actress from the film known as Sarika Singh, who will also be joining us if she can make time between her shoots. And again, you would remember her from films such as Kamyab, and again, now this film as well. So first of all, thank you all so much for making the time and joining us all the way from India. So welcome aboard. How does it feel to have your film finally at the cinemas? How does it feel to have this great directorial debut and a film that everybody is talking about, Seema ji? मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ में बहुत घबराहट भी थी जब ये रिलीज के लिए डेट आई, ये सोच के कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर हम सब लोगों ने किस तरह से समय बिताया है, किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और अचानक से जब फिल्म इंडस्ट्री में ये अनाउंस हुआ कि फिल्में रिलीज होंगी तो सबसे पहली फिल्म हमारी थी और बहुत अजीब सा लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ऑडियंस देखने जा रही है, पसंद कर रही है हमारी फिल्म को, तो मैं काफी रिलैक्स हूँ। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा टेंस हो रही थी कि पता नहीं ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिल्म के ऊपर क्यों लाद दी गई है। Can I ask, अगर ये फिल्म I imagine was mostly shot क्या 2020 में जब ये पूरा कोविड का हो रहा था या 2019 से चालू हो गई थी शूटिंग? 2018 में। Oh wow, shot that long back. Okay. हमें ये बताइए कि ये पिक्चर जो है, जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमारे जैसे अक्षर जैसे होते हैं जो पहले बना लेते हैं और फिर प्रोड्यूसर के पास ढूंढते हैं दौड़ते भागते, आपके लिए क्या ऐसा ही प्रोसेस था वो, या आप were you fortunate in that case because as a director it was a debut film for you? देखिए बहुत मुश्किल काम है एक अपनी डेब्यू फिल्म बनाना, सच में बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी राइटर के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है प्रोड्यूसर का ये मान लेना कि हाँ ये फिल्म अच्छी बना लेंगे, वो भरोसा लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं भी इस स्क्रिप्ट को लेके दो तीन प्रोड्यूसर्स के पास गई, चलिए मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए भी था क्योंकि चलो लोग मुझे जानते हैं इस इंडस्ट्री में, इतने साल से काम कर रही हूँ, मगर मैं समझ सकती हूँ कि पहली बार अगर कोई ऐसा आदमी जिसने कभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस फिल्म को बनाना, और प्रोड्यूसर्स इतनी जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन भरोसा कर लिया मुझ पर, इसके लिए मैं दृश्यम का थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे स्क्रिप्ट पे भरोसा किया और मुझे फिल्म बनाने के लिए मौका दिया। मैं जियो को भी थैंक्स करना चाहूंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ नए डायरेक्टर और नए राइटर का अपने स्क्रिप्ट और नए कॉन्सेप्ट को लेके फिल्म बनाना। वैसे मैं मनोज सर को जो है मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लासिक क्वेश्चन मैंने तैयार करके रखा था कि हाउ इज इट टू डायरेक्ट योर फैमिली आउटसाइड द हाउस, क्योंकि घर में तो समझ में आता है। दैट इज प्रॉब्ली मनोज, दैट्स प्रॉब्ली अ गुड क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क, हाउ इज इट टू बी डायरेक्टेड बाय योर मॉम आउटसाइड द हाउस? इट्स एक्चुअली वेरी It's actually very normal for me because I think I've always worked with her in theater and as a family we were always working together. So I completely understand that, okay, you know, ye inko ye chahiye, okay, dad works in a certain way. So it's kind of, you understand the kind of working. So I think, but the only pressure that comes on you is that you also have to be a support system, you know, so you're not just, you know, trying to do what you have to do. It's like, there's like, oh, aapne khana khaya, are aapki dawai, are aapka ye, aapka wo. So, you know, स्पेशली इसको डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत देर से कॉम्प्लेक्स में आए हो कि यार
ये अनुभा जी मेरे से सिर्फ 6 साल बड़ी है, तो प्लीज देखो, ना ही मैं अपनी एज बताऊंगा ना ही आपकी रिवील करूंगा तो, लेकिन वैसे अनुभा जी, आई मीन जैसे आप पहले बोल रहे थे कि आई मीन सीमा जी इज ट्रूली ट्रूली ब्रिलियंट, और मेरे को तो अभी भी उनकी वो लाइन बरेल की बर्फी से याद है, मम्मी हम जा रहे हैं मम्मी. लेकिन यू नो वी हैव ऑल बीन इन ऑ ऑफ हर स्पेस ऑफ हर ग्रेट टैलेंट, एंड टू फाइनली नाउ हैव हर अ वुमन एंड अ डायरेक्टर हु यू've लुक्ड अप टू सो मच नाउ हैविंग डायरेक्टिंग योरसेल्फ, व्हाट इज दैट लाइक व्हेन यू फील लाइक कि भाई आई हैव रीच्ड माय मेका नाउ, अब तो यू नो जो जिस दिन का वेट किया था वो आ गया. So, you know, वो उसी समय का actually था. I must say that when you actually start working with her, when she first met me, I couldn't have asked for a more grounded director, actor, to have a conversation with me. And that actually was, I think, from the word go, she made me feel so comfortable. I mean, that whole aura, that whole, you know, the looking up to her, I mean, all that came later in retrospect, actually. Kaam karte waqt, unhone jis pyaar se aur jis sensitivity se, I think, pure ensemble ko rakha, the way she sort of, you know, handled all the actors, the space she gave all the actors, it's a dream come true. I don't think it's going to be possible in future when one works. Actually, she spoiled everybody. That's the problem. Unhone sabko bigad diya hai. Because there was so much of comfort, so much of love, so much in-depth conversation when you talk to her about the character, when you talk to her about the scenes. She was so clear about what she wanted. She was absolutely bang on clear to the last detail. Predominantly, your cast is very theater-based cast. And I think theater mein obviously wo ek energy hoti hai jo aap audience se feel karte ho, and of course you know, anybody who wants to be a good actor, always they say that, you know, try and learn from the theater actors and try and go down the theater route. Abhi, what was it like, ek to firstly to have that theater cast essentially jo log, you know, itte diggaj actors hain, firstly to have everybody on set, and secondly ki ये सिर्फ मुझे लग रहा था कि सो मच ऑफ दिस फिल्म इतना डायलॉग सब इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटे न्यूएंसेस जैसे आप पिकअप करते हो, आप सोचते हो कि यार ये वाकई स्क्रिप्ट में था, ये लिखा था, या ये बस हो गया उस समय इन द मैजिक ऑफ द मोमेंट. इम्प्रोवाइजेशंस तो बहुत हुई है, और मुझे लगता है एक्टर को जब स्पेस दिया जाता है तो अच्छे के लिए होता है, फिल्म के अच्छे के लिए होता है. और मैं क्योंकि खुद एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे मालूम है अगर डायरेक्टर मुझे स्पेस ना दे तो मेरा कितना दम घुटता है कि मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी. तो एज एन एक्ट्रेस जब मैं डायरेक्टर बनी हूँ तो मुझे स्पेस देने की बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि मैंने ज्यादा स्पेस देने की कोशिश की है. तो मुझे मालूम था जितनी इनको स्पेस मिलेगी उतनी ये खिल के आएंगे, उतना ही अपना इनपुट दे पाएंगे इस डायरेक्टर्स को. और इन लोगों ने ऐसा किया भी, आप देख ही रहे हैं, आप सबके सामने रिजल्ट है. मुझे तो बहुत कुछ मिला है अपने एक्ट्रेस से इस फिल्म में. सीमा जी, हमें जो है एक नायाब फिल्म मिली है, और इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने, थैंक यू, पहली बार तो आपने थिएटर की एक्टर्स को पे इतना भरोसा किया है. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कैलिबर ऑफ अ थिएटर एक्टर तभी फेमस हो पाता है जब वो स्क्रीन पे आता है, विच इज वाई आई एम गोइंग टू बी आस्किंग दिस नेक्स्ट थिंग टू अनुभा, दैट अनुभा यू हैव कम अप एज अ फेनोमिनल एक्टर. एक बहुत ही प्राइमरीली एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रोल है, क्योंकि घर में इतनी सारी बहुएं हैं और एक बेटी होना तो अपने आप एक स्टेप बैक हो जाता है एज अ कैरेक्टर चूजिंग दैट एंड एज अ रोल कि नहीं मैं ये कर लूंगी. व्हाट वाज दैट मोटिवेशन के, बिकॉज़ यू आर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉमर्स, मेरा रोल इतना है, पावरफुल है, नहीं है, व्हाट वाज दैट डिसीजन मेकिंग फैक्टर? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैव नॉट टोल्ड दिस टू सीमा जी बिफोर. शी गिव मी अ चॉइस टू चूज द एल्डेस्ट बहू और बड़ी जीजी. And I decided to go with Badi Jiji, knowing that it is far more restricted. Because mujhe kahin wo impression tha of Badki. And I was so much in love with Badki that it really pulled my heartstrings, you know, to do Badi Jiji. And I knew that it is far more challenging also. So, maine Seema ji ko phone pe kaha, main kuch bhi karne tayar hu. मुझसे परफॉर्मेंस निकलवाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कहो वो करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
So, so I think yes, and I would like to add here. You know what Seema ji was talking about? Ki script mein inhone space diya actors ko, which is true. Inhone sare actors ko bahut space diya. Par ye inka badappan hai jo wo keh rahi hai. I would definitely like to mention over here that for me one big reason to do this film was the script, the way she wrote it. And yes, there are many of the dialogues that you hear on screen are actually written by her. Even if it's like do teen teen words ke dialogues hain, wo inhone likha hai. So she has set that rhythm of you know that text in the whole film. She has opened those windows where we know ki kaun se space mein ye text hai, and then she has given space for actors to improvise. So ढांचा वही है, the skeleton is the same which she has set up through the script within which we you know which each actor gets the space to improvise. So it is a beautifully written script, and the beauty of the script is it is so simple, and it is so tough to be simple. It's very difficult to be simple. मुझे याद है अक्षत ने एक्चुअली मुझसे ये कह रहा था यार कि ये मेरी बुआ, ये मेरी मासी जैसी, ये मेरे मामा जैसे, हमने एंड ऑफ द पिक्चर में आप लोगों को अपने आपके कैरेक्टर्स के थ्रू तो पहचानना बंद कर दिया था, हमने अपने रिश्तेदारों के नाम दे दिए थे ये टुन्ने मामा है और ये टुन्ने मामा है। लेकिन एक सीन है जहां पर ऑल द मेन आर आउटसाइड एंड दे हैविंग अ ड्रिंक इन द बालकनी, रात का समय है, वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और उस समय आपको बैकग्राउंड में एक ट्रेन के जाने की आवाज भी सुनाई देती है। एंड क्योंकि मैं खुद लखनऊ, उन्नाव, कानपुर उस एरिया से हूँ, मेरी फैमिली इनफैक्ट, तो मुझे पता है वो छत पे बैठे हुए कंबल में उस तरह के कॉन्वर्सेशंस, ड्रिंक्स भी चल रही हैं, बातें भी हो रही हैं, वो आवाजें भी पीछे से जा रही हैं, तो वो मेरे लिए तो बहुत ही ट्रांसपोर्टिंग मोमेंट था। वाकई ऐसा लग रहा था कि वहीं पर हैं हम लोग। आई मीन यूजुअली जब फैमिली डायनामिक्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो आई गेस द आइडिया दैट हैज बीन डन टू डेथ इज शादियों का माहौल, एंड यू नो शादियों के माहौल में कैसे वो चाहे, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी की 13वीं को लेके ऐसा मूवी बन सकती है उस माहौल में। तो ये आइडिया आई गेस आपको कहाँ से आया, या आपने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे मोमेंट्स लिव किए हैं तो इंस्पिरेशन वहां से आया, या इट वॉज समथिंग यू सॉ, यू नो जस्ट इफ यू कैन टॉक अस थ्रू दैट। हाँ, डेफिनेटली मेरे लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ, दिल्ली की लड़की हूँ मैं, और वहाँ मैंने देखा है कि कोई भी एक डेथ होती है तो सब लोग रिश्तेदार आते हैं, और कुछ हादसे मेरी अपनी जिंदगी में भी हुए हैं। मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब बहुत अजीब सा एक इकट्ठा हो गया था जिसने मुझे शायद ये लिखने पर मजबूर कर दिया कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, तो हम बहुत बौखला जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर बाद में इसके बारे में सोचो तो बहुत हंसी आती है कि क्या बोले थे। जैसे कि अभी तो बात कर रहे थे तो नसीर सर ने ही बताया कि उनके यहाँ कोई पहचान में किसी की डेथ हुई थी, तो वो जो उनकी वाइफ थी वो यही बोल रही थी, अरे मैंने तो चाय मंगाई थी चले गए। मतलब वो कह रहे हैं अफसोस के लिए बड़े थे, पर हमें हंसी आती है, चाय मंगाई थी, इम्पोर्टेंट है क्या कि चाय वेस्ट हो गई, चले गए, मैंने चाय मंगाई थी। तो ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उस वक्त, रोते वक्त, हम सोचा कि हम कितना फनी साउंड कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व की थी कि ये एक माहौल ऐसा होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा कॉमेडी करते हैं, क्योंकि शायद डरे हुए होते हैं हम। तो वो सोचते सोचते कहानी बन रही थी, और फिर मुझे लगा कि इसमें ज्वाइंट फैमिली का एक मजा लेना, और दूसरा ये कि शादियां, अगर मैं सोचूं कि अगर शादी का एक टॉपिक मैं रखती तो आपके पास एक एक्सक्यूज होता है घर से निकलने का, कि दो दिन के लिए कोई आता है, या एक दिन के लिए आता है, या कोई 10 दिन के लिए आता है, मगर सब लोग इतने दिन के लिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि इतना बड़ा कमिटमेंट कोई नहीं दे पाता है। लेकिन एक मौत ही ऐसी जगह होती है जहां पर आप नहीं जा सकते, वो 13 दिन फैमिली के लिए कंपलसरी है कि सबको रहना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो 13 दिन बिताने हैं। तो जो बात मैं कहना चाहती थी रिश्तों के बारे में, उसके लिए मुझे उन लोगों को बांधना था किसी एक ऐसी जगह पर जहां से वो हिल ना सके। तो एक यही एक रीजन था कि अगर मौत पे आए और वो बच्चे अगर 13 दिन रहते हैं, तो वो जो बातें मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू सॉरी की, जो मैं बातें कहना चाहती हूँ कि अपना सुर नहीं मिलता, जो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे तार बिगड़े हुए हैं, उन तारों को ठीक करना जरूरी है, ये बात मैं शादी जैसे मॉल में नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने ये सब सुना था कि एक डेथ पे
जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो उनकी मजबूरी में वो ये सब चीजें एक दूसरे से कह पाएंगे। आपने ये सारा डायनामिक्स फैमिली वाला बोला था और आपके बगल में ऑब्वियसली आपकी बेटी बैठी हुई है, तो मुझे ये आपसे पूछना है मनु, कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली डायनामिक ऑफ ऑन द स्क्रीन, राइट? तो हाउ डिड यू फाइंड योर रोल इन टर्म्स ऑफ, हाउ डिड यू जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रोल व्हाइल 13वीं में आप डायरेक्टली उस फैमिली का पार्ट नहीं है? या बट आई थिंक यू नो कई बार होता है कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट क्योंकि आप दूर के रिश्तेदार हो, या यू नो आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ 13वीं वेयर आई हैव नॉट नोन द पर्सन आल्सो, बट आपको वहां जाना है क्योंकि आप किसी के थ्रू जानते हो किसी को, तो आपका बड़ा एक अलग सा होता है क्योंकि आप इमोशनली किसी भी चीज से अटैच नहीं हो यहाँ पर, यू नो यू नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एटमोसफियर, तो आप अपनी चीजें ढूंढ रहे हो उस वक्त, यू नो कि आपका कोई दोस्त बन जाए, आपका कोई, आप किसी के साथ बैठ के बात कर सको कि यार ओके आई एम गेटिंग बोर्ड हियर, सो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दैट और यू नो टू फाइंड दिस कैरेक्टर बेसिकली, बिकॉज़ आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मायसेल्फ, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड द वे शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी आल्सो कि यू नो ये पड़ोस में रहती है, इसी के घर से खाना आ रहा है, इसी के घर से चाय बन बन के आ रही है, बट थे एक राम प्रसाद जी थे यहाँ पर, यू नो जो म्यूजिक सिखाते थे, म्यूजिक वाले अंकल, यू नो उससे ज्यादा कोई आपका और अटैचमेंट नहीं है, यू नो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक ऐसा पर्सन इन द एंटायर थिंग जहाँ सब इतने इमोशनली इन्वॉल्व है, एक का जो बिल्कुल इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है बट वो है ट्रेजेडी का पार्ट। फेयर इनफ। सीमा जी, इट वॉज इजियर फॉर यू टू obviously direct your daughter or was it difficult, or agar ye easy thi to baki sare kaun tha jo difficult tha? Husband aur in dono ke beech mein kaun tha? Hame to thodi juicy humare andar ki khabrein chahiye na, aap mere ko ye batao kaun tha wo aapka diva, kaun diva play kar raha tha, who was being that boy? मनु कृति तो मुझे लगता है, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में भी, वैसे भी काम करने के लिए भी, इससे ज्यादा इजी कोई हो नहीं सकता मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, मैंने तो इसको जाने नहीं दिया पूरी फिल्म में, क्योंकि मेरे पास बैठना इसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट थी फिल्म को लेके, और उसके अलावा ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसको बहुत अच्छा स्क्रीन पे उतना स्पेस नहीं मिला है या उतने अच्छे रोल नहीं अभी ऑफर हुए हैं, बट मैं इसको जानती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं एक माँ हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इतने साल से इस काम को देख रही हूँ और एक्ट्रेस के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि बहुत बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है ये, बस काम मिलने की देरी है, तो उसको लेके तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था, और इसको समझने में या इसको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट डेफिनेटली मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे लिए जो डर था वो सभी एक्ट्रेस के लिए, एक एक्ट्रेस हूँ मुझे मालूम है, एक एक्टर का अपना एक ईगो होता है, वो ईगो कोई ब्रेक नहीं कर सकता उसका, और मेरे पास दिग्गज एक्टर्स थे, और अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं इनके ईगो से कैसे खेलूंगी, क्योंकि अगर मैंने इनमें एक को भी ये कहा कि नहीं नहीं वो नहीं कर पाए तुम जो मैं चाहती हूँ, तो वो कहेगा ओ अच्छा, मतलब अब ये हमें करके दिखाएंगे या अब ये हमें बताएंगे, तो मेरे लिए बहुत डाइटी था ये कहना कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे हो जो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि कोई डायरेक्टर कहते वो सिर्फ डायरेक्टर है तो शायद वो आसान होता है, पर एक एक्टर का कहना कि अरे यार ये सारे रोल खुद ही करना चाहती थी क्या, तो ये अपनी तरह से हमें बताए जा रही है कि ऐसे बोलो ऐसे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो बहुत थिन लाइन पे था जहां मैं अपने आप को ऐसे रखे हुई थी कि मैं इनको कहूँ कि ये बहुत 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 बेहतर एक्टर है, बस मुझे इतना सा दे दे, तो वो ईगो का खेल बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैं खेल रही थी, और मैं सबके सामने कन्फेस करना चाहूंगी कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, कि मैंने जानबूझ के इस तरह से प्रटेंड कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता प्लीज आप दे दो, ताकि मेरे एक्टर्स कहेंगे और ठीक है यार चलो सीमा के लिए कर दे बट सीमा जी हम तो चाह रहे थे कि आप हमें करके दिखाएं सीरियसली। अरे ये कौन आया हमारे घर में नया मेहमान, अरे भैया ये कौन आ गया हमारे घर, नया मेहमान आया है, आइए आइए।
वैसे तो हम आप ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आपके बारे में, लेकिन जस्ट फॉर आवर ऑडियंस हु हैव जस्ट नोटिस्ड दैट सारिका सिंह हैज जॉइंड अस, शी इज अनदर फिनोमिनली ग्रेट एक्ट्रेस हु इज पार्ट ऑफ दिस ग्रेट फिल्म रामप्रसाद की तेरवी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय. एंड शी इज ऑल्सो डन फैंटास्टिक फिल्म्स एंड यू विल सी हर इन फिल्म्स लाइक कामयाब, एंड शी इज अ फिनोमिनल थिएटर एक्ट्रेस, एंड आई हैव बीन ऑफ कोर्स वेरी लकी टू विटनेस अ लॉट ऑफ हर थिएटर वर्क्स. सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सारिका जी. शी इज इन बिटवीन शूट्स एट द मोमेंट. How does it feel? हम लोग अभी सबसे यही बात कर रहे थे कि कैसा लग रहा है आपको कि your film is finally in the cinemas and it's doing so well and everyone's talking about it. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत overwhelming है ये, क्योंकि हमको जब हम कर रहे थे हमें पता था कि जो बन रहा है वो कमाल बन रहा है, लेकिन इसका commercial response आएगा ये नहीं सोचा था, लेकिन हमें ये पता था कि जो बन रहा है वो मतलब mind blowing है, क्योंकि हम इतने खुश थे और आज 2 साल हो गए लेकिन अभी भी वो memories इतनी fresh है. मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि 2 साल हो चुके हैं इस फिल्म को शूट करे हुए. मैं पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो टॉपिक है तेरवी को लेके, आई मीन काफी चीजें थी तो ऑब्वियसली कॉमिकल वे में लिखी गई हैं, लेकिन काफी चीजें होती हैं जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो इट जस्ट जंप्स ऑफ द पेज, और आपने इंटेंड नहीं किया था कि वो फनी हो लेकिन वो बस हो जाती है, निकल जाती है किसी ना किसी तरह. एंड आई थिंक कभी एक बार कोई एक फ्लो में आ जाए, स्पेशली काफी सीन है इस फिल्म में जहां पर एक से ज्यादा एक्टर हैं, इनफैक्ट काफी सीन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं एक ही टाइम पे. तो व्हाट वाज दैट लाइक फॉर योरसेल्फ एज एन एग्जांपल सारिका, कि यू नो स्पेशली यू कमिंग इन द कैरेक्टर आप जो प्ले कर रहे हो, आपका कैरेक्टर था भी थोड़ा सा स्टर्न टाइप का इन दैट सेंस, लेकिन फिर भी आपके कैरेक्टर ने इतनी कॉमिक टाइमिंग्स ब्रिलियंटली जगह जगह पे दी हैं. सो यू नो हाउ वाज इट, मुझे नहीं पता चला कि वो कॉमिक कॉमेडी था. टॉपिक मी अप हियर मैन. हां आपका तो एक डायलॉग ही था, टाइमिंग बहुत अच्छी है, टाइमिंग ही. हां यही तो वो जो आपका टाइमिंग उसमें उसमें पता है यू एक्चुअली एक्सपोज्ड योरसेल्फ सारिका देयर दैट यू कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड. थिएटर टाइमिंग है. हां थिएटर की टाइमिंग से आप देख रहे हो कि बहुत ही कोरियोग्राफ चल रहा है पूरा सीन और सडनली आपने बोला टाइमिंग बहुत अच्छी है. So your experience in terms of the family dynamics, obviously aapki badi behen Gigi yahan par hai, how much did you have to kind of like have a power play amongst your characters, because ye cheez maine in a other way Anubha ji ko bhi puchi thi ki it's a very restrictive character but at the same time it is a bit challenging at the same time to make your metal worth within such a star-studded cast. Yeah. No, but I think it's सीमा जी ने इतना इजी कर दिया था ना सब कुछ कि डे वन ओनली वहां कोई स्टार नहीं था, वहां सारे इक्वल्स थे, कहीं कोई हायरार्की वाला जोन ही नहीं था. एंड विद अनुभा एंड आई बिकॉज हम शायद थोड़ा सा अपना अलग भी स्क्रिप्ट स्टडी करते थे तो हमने अपने खुद ही वहां पे लिख लिए थे या यू नो हम थोड़ा सा प्ले कर लेते थे उसको. एंड अ लॉट ऑफ गिविंग बिटवीन अनुभा एंड मी वाज अगर सुप्रिया जी यहाँ पर होती तो मैं उनसे पूछता कि आप में से फेवरेट बेटी कौन सी थी, लेकिन आप लोग दोनों यहाँ पर हो तो आप हमें बताओ अब कि भाभियों में से कौन सी सबसे फेवरेट थी और कौन सी नहीं. आई थिंक बड़ी भाभी है क्योंकि जिस तरह से उनकी एक रानी को मतलब बड़ी दीदी को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, जब हमारे जो सीन भी है वो बोलती है कि नहीं हाँ रानी जी जी की यू नो काफी जल्दी शादी हो गई थी, मे बी दे आर यू नो सेम एज, तो एक उनसे थोड़ा अफेक्शन ज्यादा भी है क्योंकि वो सबसे पहले घर आई थी, हम छोटे थे तो द अफेक्शन एंड फॉन्डनेस फॉर हर इज मच मोर देन द अदर भाभी. Now, just before, of course, we all take your leave, I just wanted to have a little bit of a fun. देखते हैं कि आप लोग कितनी एक दूसरे की पोल खोल सकते हो. तो थोड़ी सी नटखट वाले क्वेश्चन है. तो आप लोग बताइए, एंड आप लोगों को रीजनिंग देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि बस आंसर दे दिया, रीजनिंग देनी पड़ेगी. हु वाज समवन हु ऑलवेज अराइव्ड लेट ऑन सेट? एक्टर बताए, मैं बाद में बताऊंगी. लेट ऑन सेट. हाँ हम तो सब हम तो टाइम पे आते थे, गाड़ी इनकी निकलती थी. ओनली सीमा जी कैन आंसर दिस. हाँ सीमा जी कैन ओनली आंसर दिस. बताइए मेरे पति देव.
मनोज सर, वी आर सो सॉरी, आप यहाँ पे हो नहीं आपके, यू कांट डिफेंड योरसेल्फ। सो पहुंचते थे तब आखिर में जो एंट्री होती थी वो मनोज पावा की होती थी, सब तो फिर मैं ये अगला सवाल तो डेफिनेटली नहीं पूछूंगा, मैं पूछने वाला था who was most like their on screen role, तो शायद वो वाला पूछना। हाँ नहीं नहीं, ये वाला पूछ सकते, ये वाला पूछ। वो तो बहुत थे, वो तो सभी थे ऑन स्क्रीन। अरे वाह, चलो बढ़िया। Who is the one person that always forgot their lines? जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा रीटेक करने पड़े। चलो ये अक्षर को मैं बोला तू डेब्यू वाली पिक्चर को क्या करना चाह रहे हो, फर्स्ट एंड लास्ट करवाना चाह रहे हो, क्या करना ठीक है ठीक है, मस्ती वाला फिर। Who was the biggest prankster on set? Prankster? मेरे ख्याल से मैं बार बार लूंगी तो मेरा डाइवोर्स ना हो जाए, क्योंकि सबसे बदमाश बच्चा एक ही था, वो था मनोज पावा, और really? था निनाद कामत, और विनय पाठक भी, पाठक जी भी कम नहीं थे। स्पेशली व्हेन द क्लोज वाज हैपनिंग यू नो ऑन द एक्टर्स एंड स्पेशली एक्टर्स लाइक अस हु कैन गिव इन टू लाइक एन अनएंडिंग लाफ्टर. So Ninad would just sit in front and make faces and give his asides. And we literally had to plead him. Like, yeah, please go. So, you know, he was like really someone who could just make you laugh at the drop of a hat. And he was really fun. Anubha ke liye to ek aur challenge tha, kyunki wo Kala ji ke saath kaam kar rahi thi. To uske liye to... Kyun? Usme kya challenge hai? हमें बताओ मतलब वो तो नॉन स्टॉप है, वो तो ऑफिस ऑन अ सीन, मतलब उनका तो पहचानना ही मुश्किल है, वो कब शॉट दे रहे हैं और कब रियल है। यार तौफीक ऐसा मन नहीं कर रहा कि काश हम भी होते सेट पे। हाँ ना, मैं दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स ना, जब आप देखते हो ना, मैंने यार कम से कम यहाँ पे खटिया ही बना दो, कुछ हाँ। पड़े रहने दो सेट पे, यहाँ पे ऐसा इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, कोने में पड़े रहेंगे। एक्जेक्टली, थिंकिंग ऑफ दैट, सॉरी, मेरे को एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था, ये डायरेक्टोरियल एस्पेक्ट से, सिनेमाटोग्राफी एस्पेक्ट से, आपका ये एक सीन है विच आई जस्ट कांट गेट माय हेड अराउंड, राइट, योर कैमरा स्टार्ट्स इनसाइड द हाउस, गोज ऑल द वे इनटू द आंगन, and then raises up, how is that possible? हम लोग को इतना बुरा लग रहा था कि लोग फिल्म एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं अबे ये कैसे किया, जोर से चिल्लाया हमने इसको। Please tell us about that shot. How did you get that? मेरा जो इस फिल्म को लेके जो idea था वो मैं बहुत तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी कर सकी कर सकी। मेरा ये मानना था कि कट होना ही नहीं चाहिए, मैं इसको वन गो में लाना चाहती थी इस फिल्म को। मैं चाहती थी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में बस कैमरे शिफ्ट होते रहे, मतलब ट्रॉली शॉट ही लगते रहे, यहाँ से जाए वहां से जाए, लोगों को समझ में नहीं आए हम कब कौन से कमरे में पहुंच गए, हम कब छत पे पहुंच गए, हम कब नीचे आ गए, हम कब बाथरूम में चले गए, ये इतना स्मूथ होना चाहिए। तो टेक्निकली मैं इस फिल्म को ये ट्रीटमेंट देना चाहती थी कि हमें हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी के घर में आपने कई बार शॉट देखा होगा कि मैंने कमरे से बाहर लिए हैं शॉट, कमरे के अंदर मेरा कैमरा जाता ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम सिर्फ झांक रहे हैं, इस कमरे की बात सुनी फिर दूसरे कमरे में झांकने लगे, फिर हम लॉबी में झांकने लगे, फिर हम आंगन में झांकने लगे, तो हमेशा फील एक ऐसा आना चाहिए कि हमें सीन देखते देखते याद आए कि अरे हम तो दूसरे कमरे में आ गए, हमें पता ही नहीं चला।
तो मेरा मन तो ऐसी फिल्म बनाने का था, अगर ऊपर वाले ने चाहा और अच्छा प्रोड्यूसर कोई मिल गया तो नेक्स्ट फिल्म डेफिनेटली मैं ऐसी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कट की फैमिली ड्रामे में जरूरत नहीं होती है, वो ड्रामा क्रिएट करते हैं आप लेंसेज के थ्रू, कैमरे के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू, मगर ड्रामा मुझे लगता है वो एग्जिस्ट करता है अपने आप में, तो आप उसको बस फॉलो करिए, आप उसको सिर्फ स्मूथली फॉलो कीजिए। तो वो मेरा प्लान था जिसमें से इस फिल्म में मैं बहुत ज्यादा शॉट उसने ले नहीं पाई, बट मेरी ज्यादातर कोशिश ये थी कि मैं लॉन्ग शॉट लूं और एक ही में सब चीजें कैप्चर करती हूँ। और टॉकिंग अबाउट ड्रामा, I know the point you're going to make. Nahin, bol. Are bolna. So talking about drama and framing, the drama is happening in the background and your framing is in the foreground. What's the choice of it as a director? That is mind-blowing. It was amazing. Run us through that process of ye person. This is not audiences. This question is not for you. This is for us. Sorry. Please. Foreground mein framing, background mein drama. Kya? How? What is that gutsy call and how did it come? आपके पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। जब आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, आपके पीछे क्या चल रहा है, वो भी तो लोगों को लिखना चाहिए ना। और मुझे लगता है कि उस घर में इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग हैं, तो वो सब सो तो नहीं गए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दो लोगों की बातचीत हो ही नहीं सकती, जहां पर फैमिली ड्रामा है वहां दो लोगों की बातचीत अकेले कैसे हो सकती है। कोई तो क्रॉस कर रहा होगा, कोई तो कुछ सामान उठाने आया होगा, कोई तो कुछ पीछे कर रहा होगा, तो वो भी कितना ठीक है, भी लोगों को मजा आना चाहिए कि इतने लोग कहाँ गए। अभी तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं उतना नहीं कर पाई जितना मैं चाहती थी इस फिल्म के साथ, वरना मैं कोई भी फ्रेम शॉट खाली नहीं छोड़ती, कोई ना कोई क्रॉस करता, कोई ना कोई आता जाता, लेकिन कई हालात ऐसे जो नहीं। हमें भी यही फीलिंग थी जब फिल्म खत्म हुई, ऐसा लग रहा था काश थोड़ा और मिल जाए, काश थोड़ा और मिल जाए। बट सॉरी, अभी हम लोग बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है महफिल जम गई, तो बात कर रहे तो बात करते ही रहे। हाँ ना। लेकिन अरुणा जी और हार्डेस्ट एडिट्स टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू, आई स्वेयर, आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके काफी इमोशनली हैवी सीन्स भी रहे हैं डिस्पाइट ऑल द कॉमेडी एंड ऑल दैट, कोई ऐसा सीन था आपको जो आपको लगा कि यार ये वाला मैंने अपने आप को डाल दिया इसमें, या ये वाला मेरे को छू गया, और यू नो समथिंग ऑफ दैट नेचर, वेयर यू फील लाइक यू लेफ्ट अ पीस ऑफ यू बिहाइंड इन दैट सीन? Because through your acting, I felt like I did at many points. Thank you, and definitely I would really take that as a compliment, because हमारा तो सीमा जी को complain ही यही रह जाता है कि थोड़ा और कर पाते तो अच्छा होता, थोड़ा और आप बता देते तो अच्छा होता, थोड़ा और improve कर लेते तो अच्छा होता, but I think, and I, this is not just about us, I think every actor, I feel, must have left a part of them in this film. Because it's so real, it's so us, that I feel ki definitely kuch kuch scenes to bahut zyada emotional tha, matlab usme difficult tha wo actor ko thoda alag rakh kar, you know, you have to step back as an actor and be the character, so that used to be sometimes very difficult. You couldn't be the actor and the character both, because it was so beautifully written. They were so, so moving, those scenes. Chote chote, just very bariki, jo hai scenes mein, bahut barikiyan. Usme jo pura maza tha, wo mere ko lagta hai bahut zyada khoobsurat inhone likha hai, Seema ji, barikiyon mein. Just one line, two lines, or one look, one reaction. I mean, how beautiful is that? And that used to touch me. I don't know, Sarika will. That scene जब अर्थी बाहर जा रही है और अम्मा is standing दरवाजे पे, आप और मेरे को पीछे खड़ा कर दिया था. What की परम आ रहा है और oh God, अर्थी जा रही है और वो नसीबदार हो जा रहा है, वहां दिखते हैं. Oh God, मतलब हम लोग इतना रोए हैं, हमको ना ग्लिसरीन की जरूरत पड़ी है उस वक्त, ना कुछ भी हुआ, just sobbing ki how could somebody actually think ki aap apne you know aapko dekhte hue, kyunki aap apne pati ko dekhte ho jab you know aap is ghar mein aaye the pehli baar aur wo bahar ja rahe hain, suddenly now it's your present. मुझे पता है उसमें एक चीज बहुत मजे आया था सीमा जी आपका, जो आपने इन ट्रांजिशंस के लिए भी कट नहीं किया, आपने एक्चुअली कलर ग्रेडिंग का यूज किया उसके लिए, लाइक मैं अक्षय, दिस इज समथिंग जैसे डॉक्टरों का होता है ना कि यू हैव टू डू फील्ड एक्सपीरियंस बिफोर यू एक्चुअली कैन कॉल योरसेल्फ डॉक्टर्स, मैं मेरे ख्याल से आई थिंक आई शुड मेक दिस फिल्म
लाइफ लेसन फॉर माई सेल्फ कि जब तक कोई भी आर्टिस्ट कम से कम 5 से 7 साल अपनी जो है थिएटर्स में नहीं रगड़ के आया है ना, तब तक उसको स्क्रीन पे आने नहीं देना चाहिए. यू प्रॉब्ली माइट डिसएग्री फ्रॉम मी बिकॉज़ यू आर मोर ऑफ अ स्क्रीन गाय. नहीं नहीं नहीं, आई थिंक फॉर मी आई थिंक दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स. आई थिंक स्क्रीन में तो आपको वो स्पेस कभी कभी मिल जाता है कि जाओ सोच के आओ ये करो वो करो एंड देन यू कम ऑन एंड सो समटाइम्स यू आर ऑलरेडी इन अ जोन. बट आई थिंक व्हाट आई फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट थिएटर एक्टर्स इज दैट यू हैव टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ. आपने जब प्ले एंटर किया है तो आपने किस इमोशन से एंटर किया हो और फिर आप किस जर्नी पे जाते हो और फिर एंड में आप किस इमोशन से निकल के आते हो. सो व्हाट डू यू एक्चुअली एंटर विद अदर देन एक्सेप्ट बीइंग ऑनेस्ट एंड रियल एंड बीइंग एबल टू आई गेस स्विच अ लॉट ऑफ योर इमोशंस ऑन एंड ऑफ ऑन कॉल. सीमा जी एक्चुअली हाउ डू यू ब्रिंग द ऑनेस्टी आउट ऑफ द एक्टर्स बिकॉज़ इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज इन मोस्ट डायरेक्टोरियल एंडेवर्स दैट यू हैव यू वांट योर एक्टर्स टू बी ऑनेस्ट so that your character can be honest. Is there a process that you follow to achieve that? Actually, मेरे लिए शायद मेरा सबसे ज़्यादा मुझे जो फायदा जिस चीज़ ने किया है क्योंकि मैं खुद एक एक्टर और जो एक्टर मेरे साथ काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं मेरी एज एन एक्ट्रेस, मेरी इज्जत करते हैं. तो मुझे लगता है कि जब हमारा आमना सामना होता है ना ऐसे किसी का जो सब कुछ जानता है यू नो, तो आप बहुत क्लियर हो जाते हैं, आपको आप झूठ नहीं बोल सकते यू नो. तो जैसे मैं थी तो मैं पकड़ सकती हूँ आपकी बेईमानी को, आपके फंबल्स को, आपके इम्प्रोवाइजेशन में भी मैं समझ गई कि आपको डायलॉग नहीं याद आ रहा, आप फंबल करे जा रहे तो वो जो इसलिए वो ऑटोमेटिकली आ रही थी क्योंकि उनको डर था कि एक कोई और नॉर्मल डायरेक्टर होता तो वो चोरी नहीं पकड़ पाता, पर सीमा पकड़ ले बेचारे डर के मारे पूरा ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे कि अब पकड़े गए और अब पकड़े गए. और मैंने पकड़ा और मैंने कहा तुम अभी डायलॉग भूले थे, बोले नहीं मैं नहीं भूला था, मैंने एक ही बात बोली है तो याद कर ऊपर कि वो लाइन नेक्स्ट क्या है, तो सब पकड़े जा रहे हैं. आपको कभी एनआरआई लड़के का रोल चाहिए वगैरह हो तो फ्रीज फ्रेम कर सकते हो आप यहाँ पर. सॉरी तुम एनआरआई अलग किस्म वाले हो ना, हमारा फिर भी देसी एक्सेंट है, तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, तुम्हारा कुछ नहीं होना. नहीं नहीं मैं कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ, क्यों हिंदी आता है वैसा वाला हिंदी बोलता है, मैं वैसा वाला हिंदी बिल्कुल नहीं है. may I just say something about Please. The film. So you know, I want to say because a lot of the time we were just hame jab scenes nahi karne hote the to we would like to go and sit on the set and just watch the actors perform because there was such an incredible set of actors. So you know we were like ki chalo yaar kuch seekhenge dekhenge, we'll watch other actors perform jab bhi wo sambhav hota tha, whenever it was possible. And I feel that in this film, in Seema ji's script, what she has done is she has allowed the actors to really live the characters largely in between lines. And that is what made the lines, I think, just, you know, color so real. Because the characters, they were constantly existing in between lines. Koi tha hi nahi jo ki non-existent hai. हर कोई अपने आप को हर सीन में, इवन इफ दे आर नॉट इन द फ्रेम, इवन इफ दे आर नॉट इन द सीन, दे कैन इमेजिन देमसेल्व्स इन द हाउस. एंड दैट इज व्हाट द स्क्रिप्ट लेंट टू द एक्टर्स, दैट दे वर कॉन्स्टेंटली इन बिटवीन लाइंस लिविंग दोस कैरेक्टर्स. एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट वे टू, बिकॉज देन यू जस्ट स्लिप इन व्हेन यू हैव टू स्पीक. इतनी सारी इंस्पिरेशन है वहां पर तो देयर इज For me, it would be like, haan, nahin, yahan se toh kahin nahin jana hai. But coming to that honesty aspect of things, I mean, Sarika and Manu, I do want to know from this, what to you is honesty of an actor? I think I've learned from mom and dad all my life, just by watching them. I've never had like a lecture session from them or any kind of workshop from them, but just by seeing how they work or they talk about it, because I've been so grateful that, and on my dining tables, this is the conversations that happen where even today they would come back from a set and be like, "Aaj shayad kuch acting ke baare mein samajh aane laga hai," you know, which is like for me and my brother, wow. We are like, "What are we talking about?" You know, they're so much in search of it even today. Wonderful. So again, sabse pehle to Seema ji,
thank you so much for making such an incredible film. Bahut kam aisi films, especially hum logo living in the foreign land, that make us feel so connected to our mother land. And this was one of those films. Jaise Taufeeq pehle keh raha tha ki वाकई आपको अपने परिवार वाले सब दिख जाते हैं, which I don't know, शायद काफी बुरी चीज है क्योंकि that makes my family sound very messy. But anyway, the point is, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से आपने ये फिल्म बनाई है और तहे दिल से मैं और तौफीक को बहुत अच्छी लगी फिल्म और वाकई दिल को छूने वाली और काफी जगह पे तो आंसू भी निकल रहे थे, हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे, कितनी चीजें सीख भी रहे थे. वो जो सात सरों वाली बात जिस पे आपने भी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन की थी, वो बात especially where you placed it in the film as well, it really touched home and it really hit home. So thank you so much and keep making such wonderful films. Of course this is your first and I'm hoping first of many. सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस. अब आप हमें ये बताइए, आप अपना थिएटर प्ले या कोई भी प्रोजेक्ट लेके सिडनी कब आ रही है ताकि हम आपको अप फ्रंट और पर्सनल देख सके. आपका उबर ड्राइवर मैं हूँ और आपका खानसामा मैं. बहुत जल्दी आएंगे. इनफैक्ट हम सोच भी रहे थे, हमारा प्ले आने वाला था सिडनी, बट अभी क्योंकि ये सब हो गया, बट डेफिनेटली जैसे ही सब ठीक होगा हम अपना प्ले लेके आने वाले हैं सिडनी. और एनआरआई लड़के का रोल, मिडिल लेजेंड गंदे का रोल. वंडरफुल. तो दोस्तों, एज अक्षत सेड, इवेंट सिनेमाज Until Tuesday, सिर्फ 2-3 दिन आपके पास बचे हैं, जल्दी से जाइए और ये फिल्म इज वन नॉट टू बी मिस्ड. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमसे रात को 8 बजे हर गुरुवार को आप जुड़ के बता सकते हैं हमें. यू नो वेयर यू नीड टू कनेक्ट विद अस, 89.32 GLFFM, कहते सुनते रेडियो ज़ीन, आपका अपना हिंदी रेडियो चैनल. तो ये थी पूरी कहानी. शुक्रिया हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए. हम तो यही चाह रहे थे कि हम पूरी कास्ट से, पूरी क्रू से बात कर सकें और आप तक सारी बातचीत लेकर आएं, लेकिन क्या करें, इतना पैसा भाई, इतना ही मिलेगा. अगली बार क्या करें, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. तू अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी नहीं पता. ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप लोग हम लोग अपने कॉमेंट्स में बता दो कि आप लोग को किस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं. दैट्स अ गुड आइडिया. उस हिसाब से फिर हम लोग अगली बार उस तरह के वीडियो बनाएंगे. और हमें नहीं पता हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का साथ हमारे साथ जुड़ा रहा, तो वी माइट जस्ट बी एबल टू डू समथिंग व्हिच यू लाइक एंड वी लाइक एंजॉयिंग डूइंग इट एज़ वेल. एंड स्पीकिंग ऑफ लाइकिंग, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग व्हेयरएवर द सब्सक्राइब बटन इज बिलो, एंड ऑफ कोर्स डू शेयर दिस अलोंग विद टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स. थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग विद अस. दिस इज अक्षत गुप्ता, तौफीक अहमद साइनिंग ऑफ.